रामनगर में कोरोना के चलते लगाए गए नाइट कर्फ्यू को लेकर लोगों में अब भी लापरवाही दिखी है। दरअसल लगातार तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर सरकार की ओर से नाइट कर्फ्यू के टाइम को बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। लेकिन रामनगर में न तो लोग सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं और न ही लोगों को प्रशासन का कोई खौफ रह गया है, जिसके चलते देर रात कई दुकानें खुली नजर आईं, तो कहीं सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी जारी रही। इतना ही नहीं, सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ ही रोडवेज स्टेशन के बाहर लगी लोगों की भीड़ ने सामाजिक दूरी का खूब उल्लंघन किया। हालांकि मौके पर नगरपालिका की ओर से देर रात तक सैनिटाइजेशन किया जा रहा था, लेकिन लोगों की लापरवाही और बढ़ते मामलों ने अब प्रशासन की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। वहीं मौके पर मौजूद नगरपालिका के ईओ भरत त्रिपाठी ने बताया कि भीड़ के दौरान सैनिटाइज करने में दिक्कतें होती हैं, जिसके चलते कर्फ्यू के दौरान बाजार और शहर के अंदर सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। देखिए, कोरोना के बढ़ते हुए प्रभाव और उसकी रोकथाम के लिए नगरपालिका प्रशासन मुस्तैद है। नाइट कर्फ्यू में हमें एक मौका मिल रहा है कि सैनिटाइजेशन हम कर पाएँ, क्योंकि भीड़ भाड़ में कर पाना मुश्किल होता है। इस वजह से रात के समय में जो नाइट कर्फ्यू हमारा लगा हुआ है 9 बजे से सुबह 5 बजे तक, उस अवसर का लाभ उठाते हुए नगरपालिका की टीम संपूर्ण बाजार क्षेत्र में और ऐसे इलाके जो सामान्यतः भीड़ भाड़ वाले रहते हैं उनमें सैनिटाइजेशन करने की कार्रवाई नगरपालिका द्वारा कराई जा रही है। उत्तराखंड में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या जहाँ की ओर बढ़ती जा रही है, तो वहीं लगातार बढ़ रही संख्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन गहरी चिंता में पड़ गया है, तो वहीं प्रदेश सरकार भी इसको लेकर चिंता में पड़ गई है। आज सरकार ने शनिवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसको लेकर रविवार को संपूर्ण उत्तराखंड में पूर्ण रूप से लॉकडाउन के आदेश दिए हैं। तो वहीं रात्रि कर्फ्यू को लेकर भी रामनगर में लोगों में ना तो प्रशासन का खौफ दिख रहा है, ना ही सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए लोग दिख रहे हैं। अभी भी कई जगह चौराहे पर दुकानें खुली हुई है, तो वहीं लोगों की भीड़ भी लगातार जमी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग की भी खुलेआम यहाँ धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। लोगों का कहना है कि जहाँ एक और कोरोना महामारी ने अपने पैर पसार लिए हैं, तो वहीं प्रशासन की ढिलाई के कारण लोग सरकार के गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, तो वहीं प्रशासन के बनाए गए नियमों की भी अनदेखी खुलेआम की जा रही है। लोगों का कहना है कि यदि सरकार को इस पर रोक लगानी है तो अपने द्वारा जारी की गई गाइडलाइन पर प्रशासन को सख्ती करने के आदेश देने होंगे, तभी इस पर रोक लगेगा। इस समय हम खड़े हैं रामनगर के खताड़ी स्थित फायर स्टेशन पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा बाजार पूरी तरह खुला हुआ, लोग सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज 31 उत्तराखंड। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।